आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे साइन के बारे में जो अगर आप अभी नई नई माँ बनी है तो हो सकता है आपको ना पता हो, तो वो चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत आपके बच्चे के साथ हो रही है तो आप उसको बिल्कुल नॉर्मल मत समझिएगा, उसको आपको ट्रीट करना है जिससे आपके बच्चे को वो परेशानी हो रही है तो वो सही हो सके। तो इसलिए उसका जानना पहले जरूरी है, तभी जब आपको पता होगा तभी आप समझ पाएंगे कि आपके बच्चे को क्या परेशानी हो रही है और फिर आप उसको ट्रीट कर पाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें यह है कि बच्चे को उल्टी होना। देखिए बच्चे जब छोटे होते हैं, बच्चे जब दूध पीते हैं तो बच्चे ने जितना भी दूध पिया है उसमें से वो 25% निकाल सकते हैं, और वो अक्सर सभी बच्चे करते हैं कि थोड़ा बहुत दूध वो उलट देते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और इसमें उनके चेहरे का कोई खास एक्सप्रेशन भी आपको चेंज होता हुआ नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर बच्चे को उल्टी हो रही है, बच्चा दूध उलट रहा है लेकिन उसको उबकाई आ रही है, हबक के साथ वो दूध को उलट रहा है और ज़्यादा दूध उलट रहा है, उल्टी हो रही है उसको, तो ये नॉर्मल नहीं है, इसमें किसी ना किसी वजह से ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आपको इसको सीरियस लेना है, आपको इसको डॉक्टर को दिखाना है। इसमें मैंने होम रेमेडी भी बताई है, वो भी आप ट्राई कर सकती हैं। और इसके अलावा जो दूसरा है वो है बच्चे को लूज मोशन होना। देखिए जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो एक दिन में 8 से 10 बार भी पॉटी कर सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर पॉटी जो हो रही है बेबी को वो एकदम पानी की तरह हो रही है और 8-10 बार से भी ज़्यादा हो रही है, या अगर 8-10 बार ही हो रही है लेकिन एकदम पानी की तरह हो रही है, तो इसका मतलब है कि बच्चे को लूज मोशन हो गया है, बच्चे को पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है या वायरल डायरिया हो गया है, तो इसमें आपको डॉक्टर को दिखाना है। और इस पर मैंने बहुत ही अच्छी होम रेमेडी भी शेयर की है जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो में अपना रिजल्ट भी शेयर किया है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। अगर ऐसा है तो आप वो रेमेडी ज़रूर ट्राई करें, दवा आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं, उसके साथ ये रेमेडी भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है बच्चे का रोना। अगर आपका बच्चा रो रहा है, रोना कई तरीके का होता है, एक रोना ऐसा है कि जैसे बच्चा लेटा है, बच्चा अचानक से रोने लगा, आपने देखा कि शायद बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया है, मतलब कि उसने सूसू या पॉटी वगैरह कर दिया है, आपने उसको साफ कर दिया, सूखी जगह पे उसको लेटा दिया, बच्चा फिर से चुप हो गया, या बच्चा भूखा है आपने उसको दूध पिला दिया, बच्चा उसका पेट भर गया, बच्चा चुप हो गया, या अगर बच्चे को नींद आ रही है तो कुछ बच्चे उलझने लगते हैं, आपने उसको गोद में ले लिया या थोड़ा सा टहला दिया, बच्चा सो गया, बच्चा चुप हो गया, तो ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ ये सारी चीज़ें कर रही है लेकिन फिर भी बच्चा नहीं चुप हो रहा, लगातार रोता ही चला जा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि बच्चे को, हो सकता है उसके पेट में दर्द हो रहा हो, तो इसके लिए आप बच्चे का पेट छू के देख सकती हैं। अगर बच्चा इस तरह से रो रहा है तो बच्चे का पेट अगर बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, आपको हार्डनेस फील हो रही है उसमें, और पेट छूने पे दबाने पे बच्चा और रो रहा है, तो इसका मतलब है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रही है, बच्चे को कॉलिक पेन हो रहा है, तो इस पे भी आपको डॉक्टर को दिखाना है या आपको हींग पेस्ट वगैरह का यूज़ करना है जिससे बच्चे के पेट का दर्द सही हो जाए और वो चुप हो जाए। और कभी कभार ऐसा होता है कि हमने उसको डायपर लगा दिया, बच्चे को कभी कभी डायपर रैश वगैरह हो जाता है या कहीं और जगह रैश है, उस जहाँ उसको पसीना आया या पसीज रहा है और बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन हो रही है, तो उससे भी बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है कई बार और आप समझ नहीं पाती हैं, तो इन चीज़ों को भी चेक कर लीजिएगा।